अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बात करेंगे इन छह निशानियों की जिनको देखकर जाहिर होता है कि आपके गुदे सही काम नहीं कर रहे। अगर ये आप में जाहिर हो तो आपने फौरन अलर्ट हो जाना है। और नोट करें, क्या इनमें से कोई अलामत आपके अंदर या आपके पेरेंट्स या आपके किसी बड़े के अंदर तो नहीं है? नंबर वन, गुर्दों में 10 से 15 लाख छोटे छोटे फिल्टर लगे होते हैं जो कि खून को फिल्टर करते हैं। फिल्ट्रेशन के अमल के दौरान जहरीले मादों को तो जिस्म से निकालते ही हैं, लेकिन साथ साथ फिल्ट्रेशन के दौरान जो अच्छी चीजें हैं उनको बॉडी में जज्ब कर लेते हैं। अगर गुर्दों की ये बेहतरीन फिल्ट्रेशन की सलाहियत कम होने लगे तो बॉडी में ना सिर्फ अच्छे न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन की कमी होने लगती है बल्कि जिस्म में जहरीले मादे और टॉक्सिक कंपाउंड जमा होना शुरू हो जाते हैं। जे नंबर टू, एडिमा। आपकी बॉडी इन प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स के लॉस की वजह से पानी स्टोर करने लगती है और सूज जाती है। और कॉमन टाइप है वो है पिटिंग एडिमा। पिटिंग का मतलब है कि खड्डा बन जाना। आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज पफ्ड अप हो जाती हैं और उंगली से दबाने पर वहां पर खड्डा बन जाता है। इसके अलावा आंखों के नीचे एडिमा हो सकता है जहां पर पफी स्वोलन बैग्स बन जाते हैं। नंबर थ्री, यूरिमिक फ्रॉस्ट। इसमें आपके सर पर छोटे छोटे व्हाइट यूरिया स्पॉट बन जाते हैं। वजह यह है कि खराब गुर्दों की वजह से आपकी बॉडी यूरिया को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रही और यह स्किन से बाहर आने लगता है। नंबर चार, आप हर वक्त एग्जॉस्टेड रहते हैं, थका थका महसूस करते हैं। ये आपकी बॉडी में ज्यादा यूरिया होने की वजह से होता है। नंबर पांच, आपके पेशाब में प्रोटीन्स आने लगती हैं। इन प्रोटीन्स की बॉडी में जरूरत थी लेकिन एबनॉर्मल किडनीज इनको बॉडी में रीअब्सॉर्ब या जज़ब नहीं कर पा रही और ये प्रोटीन पेशाब के साथ जिस्म से बाहर निकलने लगती हैं। छह, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है और ये जिस्म में अमोनिया लेवल के इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है।